सर आपका मेरे चैनल वाओ स्मार्ट ब्यूटी में स्वागत है। सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर जो बेल बटन है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे रोज के 5 मिनट के ओम उच्चारण से हम अपनी सैकड़ों बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, वो भी वो रोग जो दवाइयों से जल्दी ठीक नहीं होते हैं, लेकिन ओम के उच्चारण से वो सभी रोग बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। पहले स्कूल में प्रार्थना से पहले स्टूडेंट्स को ओम की ध्वनि सिखाई व कराई जाती थी, जिससे उनका ब्रेन एक्टिव हो जाता था, जिससे स्टूडेंट की एकाग्रता की शक्ति बढ़ती थी और यही एकाग्रता की शक्ति उनको स्टडी को बहुत अच्छी तरह करने में मदद देती थी। यदि हम रोज अपने 5 मिनट तो ओम की ध्वनि या कहें उच्चारण करने में दें तो इससे हमारे मस्तिष्क में एक विशेष प्रकार का वाइब्रेशन होता है और ऑक्सीजन का प्रभाव पर्याप्त होने लगता है, जिसके कारण मस्तिष्क के रोग दूर होते हैं, जैसे स्ट्रेस और टेंशन दूर होने लगते हैं और हमारे मेमोरी पावर बढ़ने लगती है। यदि लगातार सुबह और शाम 5 मिनट ओम का उच्चारण 3 महीने तक किया जाए तो रक्त संचार संतुलित रहता है और रक्त में ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, जिसके कारण रक्तचाप, हृदय रोग, कोलेस्ट्रॉल जैसे रोग ठीक हो जाते हैं। ओम का उच्चारण 2 हफ्ते लगातार सुबह शाम करने से घबराहट, बेचैनी, डर, एंजाइटी जैसे रोग दूर होते हैं। जब ओम का उच्चारण करते हैं तो हमारे कंठ में विशेष कंपन होता है, मांसपेशियों को शक्ति मिलती है, जिसके कारण थायराइड, गले की सूजन दूर होती है। 30 मिनट के उच्चारण से पेट की भी सभी समस्याएं दूर होने लगती हैं। 1 महीने तक दिन में 3 बार 5 मिनट ओम का उच्चारण करने से पाचन तंत्र, लीवर, आंतों की शक्ति प्राप्त होती है, डाइजेशन भी सही होता है और उदर के बहुत सारे रोग दूर होते हैं। ओम के उच्चारण से 6 माह में अस्थमा जैसे रोगों में लाभ होता है और आयु बढ़ती है। ओम का उच्चारण करते समय बस से एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम जो ओम का उच्चारण करते हैं वो लंबे स्वर में करना चाहिए, तभी हमें सभी प्रकार के जो भी हमें रोग हैं, चाहे वो मानसिक हैं, शारीरिक हैं, उनसे छुटकारा मिलेगा। तो देखा फ्रेंड्स, ओम ध्वनि के उच्चारण से कितने ज़्यादा फायदे हैं। ओम का उच्चारण करने से ना केवल हमारे शारीरिक रोग दूर होते हैं बल्कि मानसिक रोग भी दूर होते हैं, क्योंकि आजकल जो शारीरिक रोग हो रहे हैं वो मानसिक रोगों के कारण ही हो रहे हैं। ओम का उच्चारण करते समय एक तो ये बात ध्यान रखनी है कि आपको ये लंबे स्वर में करना है और उसको कैसे स्टार्ट करना है और कैसे इसको ख़त्म करना है। ओम का उच्चारण करते समय आपको जो शुरुआत करनी है वो ओ, फिर उसके बीच में आपको ऊ, फिर एंड जो करना है वो माँ से करना है।